हिस्टोरिक फिगर रहेगा। जैसे मैंने शुरुआत में आपसे जो पहला सवाल किया था, देशद्रोह की बात करते हैं, सेडिशन की बात करते हैं, जिसका शायद हिंदी अनुवाद तो राजद्रोह है, देशद्रोह तो नहीं है। बहुत सारे देशों में ये सेडिशन वाला चीज हटा दी गई है, तो हमारे देश में चल रही है, हालांकि हमारा देश सबसे बड़ा अपने आप को जमहूरी मुल्क कहता है, ये सारी बात हमारे जमहूरी मुल्क पे किस तरह रिफ्लेक्ट करती है? वो धारा 124 ए हो, आफ्सपा हो, UAPO हो, छत्तीसगढ़ पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट हो, मकोका हो, उससे पहले कोटा और टाडा हो, देयर इनकंपैटिबल विद डू। तो जो सरकार और जो राज्य इन लॉज को लेकर आए, वो राज्य अपने आप को डेमोक्रेसी नहीं बोल सकता। अगर आप पॉलिटिकल डिसेंट के लिए आपको जेल के अंदर बंद किया जाता है, और ऐसा नहीं कि छोटा मोटे कुछ धाराओं में, ऐसी धाराओं में जहां आपको उम्र कैद तक हो सकती है सिर्फ अपने पॉलिटिकल व्यूज के लिए, आपने कुछ किया हो या ना किया हो, तो बहुत ही गंभीर मसला है। और जहां तक सेडिशन लॉ की बात है, मार्क्स ने, मतलब अगर आप इन सारे लॉज को देखें, मार्क्स ने 1844 में एक जगह लिखा, वो जर्मनी उस समय जो प्रशियन स्टेट का फॉरेस्ट लॉज को एनालाइज कर रहे थे, वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटिंग्स ऑफ मार्क्स, ही सेज दैट क्रूएल्टी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लॉज डिक्टेटेड बाय कावर्डाइज, फॉर कावर्डाइज कैन बी एनर्जेटिक ओनली बाय बीइंग क्रूएल। तो कहीं ना कहीं वो इस सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनकी बौखलाहट को भी दिखाता है। There are a million mutinies right now in the country, from the forests of Chhattisgarh and Jharkhand to the industrial belt all across the country, to women fighting on the streets, to students fighting in the universities. There are different kinds of movements that are happening. पर उनको crush करने के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है इन सारे laws की, कि this is a very politically motivated attack. It has nothing to do with law and order. In fact, law and order has also to do with politics. But अगर हम उनको एक liberal framework को separate भी करके देखें, तो उसमें भी law and order कहीं इसमें कहीं उस it's not about that. It's a clearly politically motivated attack, and which is why these black laws, these draconian laws are required. 1860 वाला ये law, बहुत सारे लोगों ने पिछले डेढ़ महीने में बहुत कुछ लिखा और बहुत अच्छे discourses निकलता रहे। ये वो law था जो अंग्रेजों ने यहाँ के freedom fighters के खिलाफ use किया, और इसका जो दायरा है वो इतना broad है। एक जगह बोलता है to promote disaffection against the government established by law, to bring into contempt the government established by law. I think in a democracy, this should be democratic rights to bring promote disaffection against a particular government. If I feel that this government is not for the people, to promote contempt against the government, unless and until I am involved in any violent activity, even violence needs to be located within a socio-political framework. But even if you leave that aside, let's argue from a very liberal framework. Even in that liberal framework, promoting disaffection, promoting contempt, these are democratic rights of a citizen. So, वो ही दायरा आज इस्तेमाल हो रहा है। और अगर आप देखें, मेजोरिटी ऑफ सेडिशन लॉज में कन्विक्शन नहीं होता है, तो वो भी यहाँ भी उसका एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड यूज कैसे होता है, वो साफ दिखता है कि आप कन्विक्ट नहीं होंगे, लोग आपको पता है, लेकिन ये अपनी विचारधारा लोगों तक ले जा ना पाए, इसलिए उनको जेलों में बंद करो, और ऐसे कानूनों के अंदर बंद करो कि बहुत समय तक ये जेलों के अंदर रहे, ये जनता से कटे रहे। तो इन सारे लॉज का यही रोल रहा है हमारे। पॉलिटिकल प्रिजनर की बात करें, सियासी कैदियों की बात करें, और देशों में उसके लिए विशेष तरह से उनका वो रखा जाता है। जैसे हमने कई सारे उदाहरण है हमारे पास, सीमा आजाद का है, अरुण फ्रेरा का है, हिमिशा का है, आपकी यूनिवर्सिटी से ही है, वो किस तरह है? मुझे लगता है कि मदी नहीं है शायद रखने वाले सियासी कैदियों को यहाँ से, उसी तरह शायद डाला जाता होगा, इसके बारे में आपका? पॉलिटिकल प्रिजनर्स मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल फ्रेमवर्क में कोई शब्द नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है। तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स एट टाइम्स आर ट्रीटेड वर्स देन क्रिमिनल्स, बिकॉज़ एज़ आई सेड, हमारे केस में भी जो आउटरीच था, एक उनके शब्दों में ही, मैं अपने शब्दों में नहीं बोल रहा, उनके शब्दों में ही एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल उनके लिए मोर एक्सेप्टेबल है हमारे वर्क बताओ। और यही हम देखते हैं कि हमारे खासतौर से जो मीडिया का रवैया रहता है इन सारे केसेस में, जो मतलब जो जहाँ जिनको आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स बोलेंगे, उसमें एक मीडिया का रोल रहता है, मीडिया ट्रायल करके आप ऑलरेडी वेरीफाई कर देते हैं। तो कई बार जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं, दे ट्रीटेड वर्स देन ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स इन जेल्स। हम तो एक तरीके से लकी थे जिसमें हमारा क्लास बैकग्राउंड, क्या हम जेलों के स्टूडेंट थे, वो हमारे पक्ष में बहुत कुछ किया, ऑलरेडी मीडिया में था कि नहीं, हम तो 10 दिन पहले अरेस्ट हो गया था, एक आंदोलन ऑलरेडी चल रहा था, जमकर हमारी गिरफ्तारी हुई, तो हमारे साथ बहुत कुछ नहीं किया गया। बट आमतौर पर पोलिटिकल प्रिजनर्स के खिलाफ जेलों में उनको मारना, जेल के अंदर जो गुंडे हैं उनको मारना, उनको पीटना, जो प्रोफेसर गिलानी के साथ किया गया लास्ट टाइम जब उनको पार्लियामेंट अटैक में फंसाया गया था,
तो ये सारी चीजें हमारे देश की मतलब एक वो है, एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आया था कलकत्ता में, कलकत्ता हाईकोर्ट का आज से कुछ साल पहले 2012 में, लेकिन उस जजमेंट को कभी वो लिया नहीं गया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बहुत जरूरी है एक ऐसा समय जब हमारे देश में, आप पिछले सवाल से जोड़ू, ऐसे ड्रेकोनियन लॉज है UAPA सेडिशन जो पॉलिटिकल ऑपोनेंट्स के खिलाफ ही यूज होता है, कि डेमोक्रेटिक राइट्स मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हक के लिए खड़ा हो और इंडियन गवर्नमेंट्स को, इंडियन स्टेट को मजबूर करे कि इस कैटेगरी को एक्सेप्ट करो, इसको एक एक अलग कैटेगरी की तरह माने कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स के खिलाफ अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनको जो जो राइट्स हैं। और ये लड़ाई नहीं है, ये भगत सिंह के समय से लड़ाई चल रही है। भगत सिंह के भी जो जेल के अंदर संघर्ष था, सबसे पहले पॉलिटिकल प्रिजनर्स के राइट के मांगने की बात थी। वो देश जो अपने आप जो भगत सिंह को ग्लोरीफाई करता है, भगत सिंह को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करता है, यहाँ की हर सरकार चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, वो भगत सिंह जो भाजपा इस इनके विचारधारा के खिलाफ सबसे आगे होते हैं अगर आज के समय वो जिंदा होते, ये सारे लोग भगत सिंह को अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन वो भगत सिंह जो पोलिटिकल प्रिजनर्स के हक के लिए लड़े थे उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और ये बात कि वो भगत सिंह जिनको अंग्रेजों ने बंद किया था और जिनको वो हुकूक डिनाई किया गया था, वही हुकूक यहाँ की सरकारें यहाँ के प्रिजनर्स की यहाँ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को डिनाई करती है, तो क्या हमारे सामने गोरे अंग्रेज था भूरे अंग्रेजों के अंदर हम जी रहे हैं। वैसे तो हमने जो लंबी बात की है उसमें से निकल के भी आ जाती है बात, सवाल पूछने को नहीं कर, मतलब मेरी कोई तुक बनती, मैं फिर भी पूछ रहा हूँ कि कश्मीर के मसले पे आपका क्या स्टैंड है? देखिए जहाँ तक कश्मीर मसला आपने जिस तरीके से बोला, कश्मीर की खुद मुख्तारी भी मैं इसके साथ ही जोड़ देता हूँ। मैं पहले कश्मीर का मसला, हम जब से बड़े हुए जिस जनरेशन को हम बिलोंग करते हैं ये बहुत डिस्कोर्स में रहा। मैं 87 में पैदा हुआ, वही वक्त था जब कश्मीर में आंदोलन और आज़ादी का आंदोलन एक आम स्ट्रगल फॉर्म में उभरा। उसके बाद भी ये पूरा इंसर्जेंसी को क्रश किया गया, काउंटर इंसर्जेंसी बहुत ब्रूटल रहा, सब डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं, किताबें लिखी गई हैं, अब तो इनफैक्ट मेन स्ट्रीम फिल्मों में भी आने लगा है कि क्या क्या कश्मीर में उस 90 के दशक में हुआ, अभी भी जो हो रहा है। ऑलवेज हम सुनते हैं कश्मीर मसला, कभी हमने नहीं सुना बिहार मसला, बंगाल मसला, केरल मसला। हमारा मानना है अगर मसला है तो समाधान भी होना चाहिए, और इस बात को कहने में मुझे कोई दो राय नहीं है कि इस 60-70 सालों में हिंदुस्तान की सरकारों का और इवन पाकिस्तान की सरकारों का इस मसले में जो रोल रहा है, इट्स अ ब्लॉट ऑन ह्यूमैनिटी। हमारी बात इतनी सी है, हम तो ये नहीं बोल रहे कश्मीर को आज़ादी के दो या नहीं दो, हम बोल रहे हैं कश्मीर की जनता से पूछो कश्मीर की जनता क्या चाहती है। अगर इस मसले का समाधान होना है तो उस मसले का समाधान हिंदुस्तान के इंटरेस्ट और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को ना देखते हुए बल्कि वहाँ की आम आवाम के इंटरेस्ट को देखते हुए इस मसले के समाधान की तरफ बढ़े। और कोई भी जनवाद पसंद इंसान, कोई भी इंसाफ पसंद इंसान इस राइट के साथ खड़ा होगा। ये बहुत रेडिकल कोई डिमांड नहीं है, इट्स अ बेसिक डेमोक्रेटिक डिमांड कि आप जनता की सुनिए, जनता क्या चाहती है। अगर जनता हिंदुस्तान के साथ रहना चाहती है तो हम हिंदुस्तान के साथ कश्मीर को रखना चाहिए। तो ये बात हमारा सिंपल स्टैंड ये है कि कश्मीर की जनता से बात की जाए, उनको सेंटर में रखा जाए इस मसले का समाधान को सॉल्व करने। आज के समय में लेफ्ट की क्या प्रासंगिकता है लग रही है आपको? प्रासंगिकता मतलब रोल उसका क्या रोल है? देखिए जब जब फाशीवाद बढ़ा है देश दुनिया भर में, तो फाशीवाद के खिलाफ सबसे आगे कम्युनिस्टों ने ही फाशीवाद को चुनौती दी है। अभी हम एक बहुत ही विडंबना वाले समय में रह रहे हैं, फाशीवाद हमारे सर पर खड़ा है और रेडिकल लेफ्ट पार्लियामेंट्री लेफ्ट एवरीवन इज ऑन बैक फुट, एवरीवन इज स्कैटर्ड। और ये बहुत ही दुखद स्थिति है और ये बहुत एक ऐसी स्थिति है जिससे कभी कभी सिर्फ अभी की स्थिति पे दुख नहीं होता, आने वाली स्थिति को सोच के भी दुख होता है। लेकिन दुख तो हम बहुत समय तक रख नहीं सकते, हमें उम्मीद रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दुख रखेंगे तो शायद हम इम मोबाइल हो जाएं, और हमको ज़रूरी है कि इस समय और मोबाइल रहें और लोगों के बीच में जाके रहें। बहुत ज़रूरी है कि हमारे आपस में जितनी भी लेफ्ट फोर्स हैं वैचारिक मतभेद हैं और वो होने चाहिए, वो वैचारिक मतभेद हमको हमारे विचारों को और आगे लेके जाते हैं, वो हमारे बीच के डिबेट्स में हमको और लेके जाते हैं। उसके बावजूद एक यूनिटी बनाने की जरूरत है, और जब मैं यूनिटी की बात कर रहा हूँ मैं इलेक्टोरल यूनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संघर्षों की यूनिटी की बात कर रहा हूँ। और सिर्फ लेफ्ट ही क्यों, बहुत सारे ऐसे फोर्सेज हैं जो अपने आपको लेफ्ट नहीं बोलते लेकिन वो भी एक ब्रॉडर डेमोक्रेटिक स्ट्रीम में आते हैं।
चाहे वो दलित आंदोलन हो, चाहे वो मुसलमानों के संगठन हो, चाहे वो महिलाओं के संगठन हो, चाहे वो आदिवासियों के संगठन हो, अगर लेफ्ट अपना रोल, अगर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट अपना रोल आज के समय में ये देखें कि इस ब्रॉडर डेमोक्रेटिक स्ट्रीम को कैसे साथ में लेकर चलना है और कैसे उसका नेतृत्व करना है, क्योंकि रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट ही इस ब्रॉडर स्ट्रीम को सही नेतृत्व दे सकते हैं। ये जो आज के समय जितने आंदोलन हो रहे हैं, अगर छात्र आंदोलन की बात करें, एफटीआई से लेके जादवपुर से लेके एफटीआई, एफटीआई से लेके ऑक्यूपाई यूजीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और जेएनयू और फिर सब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में हो रहा है, बहुत सारी जगह अगर आप देखें कोई एक पार्टी नेतृत्व नहीं कर रहा। ये इतने बड़े मास मूवमेंट्स हैं कि स्टूडेंट्स अपना नेतृत्व खुद कर रहे हैं, ये हमको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। सवाल हमारे ऊपर है, जो लेनिन ने एक सवाल 1904 में पूछा था कि हम भी उनको कुछ सिखा पाएंगे, और वो हम जब सिखा पाएंगे जब हम इस समय का सही विश्लेषण करें और उसमें अपने टास्क का सही तरीके से समझें। पार्लियामेंट्री पार्टी को आप लेफ्ट मानते हो? देखिए ये तो लेफ्ट के अंदर का डिबेट है कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स आप लेफ्ट किसको मानते हो? देखिए इस सवाल अगर आप हम मुझसे पूछें तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल गेम में लेफ्ट हारा ही है, और वो गेम कहीं ना कहीं रूलिंग क्लास का ही गेम है। उस गेम में अगर आपको जीतना है तो बहुत सारे विचारों से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और वो हमने देखा है किस तरीके से। जब नंदीग्राम हुआ, मुझे याद है यहाँ एक प्रोफेसर है हमारे सीएसपी में, प्रोफेसर प्रभात पटनायक, बहुत अच्छे प्रोफेसर है, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, इट वॉज अ डिफेंस ऑफ सीपीएम बट एक्चुअली फॉर वॉट इट इज नंदीग्राम, बट थ्योरेटिकली एक्चुअली फ्रॉम अ डिफरेंट वेंटेज पॉइंट आई एग्री विद हिम। वो बोला कि अगर आप एक न्यूलिबरल फ्रेमवर्क में एक स्टेट गवर्नमेंट चला रहे हैं तो आपको कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, कुछ कुछ इंडस्ट्रियल लॉबी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। केंद्र में तो एक यूपीए सरकार है जो पूरा का पूरा देश को बेचना चाह रहा है, एक न्यूलिबरल लॉजिक में है, तो सीपीएम सरकार वेस्ट बंगाल में, एक राज्य सरकार में कितना उसके पास मैनुवरेबिलिटी का स्पेस है। इनफैक्ट ही पुट्स इट स्पॉट ऑन, क्योंकि मैनुवरेबिलिटी का स्पेस नहीं है, इसलिए लेफ्ट की जरूरत है कि वो गवर्नमेंट बनाने में इतना इंटरेस्टेड ना हो कि जनता के संघर्षों के साथ जुड़े। अगर सीपीएम सही में उस समय एक लेफ्ट पार्टी का रोल अदा करता तो वो गवर्नमेंट से रिजाइन करके नंदीग्राम के साथ और सिंगूर के किसानों के साथ खड़ा होता। तो ये कॉम्प्रोमाइजेस पार्लियामेंट्री लेफ्ट ने बहुत सारे किए हैं, और वो शायद अगर इन सब से नहीं सीखे तो आने वाले दिनों में फिर से करेगा। और सरकारी आंदोलन के समय ही सीपीएम के अंदर के ही एक धड़े में समझा, वो सीपीएम से अलग हुआ, चारों मजुमदार कांग्रेस चारों मजुमदार के अंदर, और उसका भी एक ग्लोरियस हिस्ट्री रहा, सेटबैक्स रहे, गलतियां रही, उसके बावजूद कभी आंदोलन खत्म नहीं हो पाया। लेकिन उसके बावजूद अगर आज अगर मैं क्रिटिकली रेडिकल लेफ्ट के बारे में भी बोलूं, आज का समय है जब सबसे आगे उनको होना चाहिए। सीपीआई सीपीएम से हम इतना अपेक्षा क्यों करें? सीपीआई सीपीएम से तो अलग हुए थे हम ये बोल के ये कॉम्प्रोमाइज पार्टीज हैं,